तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो के अंदर। गाइस, हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर की एक नई ऐसी कार आ रही है जो कि काफी ज्यादा शानदार हो रही है और काफी तकड़े फीचर के साथ में और काफी अच्छा माइलेज इस गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाता है आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए, और हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देने वाले। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा अल्ट्रोज के बारे में, जो कि अपने नए बोल्ड लुक में काफी ज्यादा फेमस हो रही है और काफी ज्यादा लोग खुश भी हैं इसको देखने के बाद में, क्योंकि ये काफी ज्यादा नए तरीके के साथ में नए डिजाइन में पेश हो गई है दोबारा से मार्केट के अंदर। दोस्तों, टाटा मोटर की टाटा अल्ट्रोज नए धासु फीचर के साथ में काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स भी देने वाली है टाटा मोटर इस गाड़ी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं, सिंगल पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने के साथ साथ आपको पावर विंडो, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ में क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल सकता है आपको इस गाड़ी के अंदर। दोस्तों, टाटा मोटर ने इस गाड़ी के अंदर एक नया तरह का डिजाइन दिया गया है, आप बखूबी वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं। रियर की साइड में आपको टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, कनेक्टेड टेल लाइट, और काफी अच्छा बंपर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल सकता है। वहीं टाटा अल्ट्रोज गाड़ी के अंदर बेस्ट इंजन देखने को मिल सकता है आपको, जो कि बहुत ही जबरदस्त पावर निकालता है। अगर बात करें इसके जबरदस्त इंजन के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं इसकी क्षमता की बात करें तो इसके अंदर काफी अच्छा माइलेज भी देखने को मिल जाता है, आपको 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है डीजल इंजन के साथ में। अगर फ्रंट लुक की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 LED हेडलाइट देखने को मिल जाएंगे जो कि हैलोजन के साथ में भी आती है, और आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे जो कि हैलोजन होने वाले हैं, और काफी अच्छा काम किया गया है फ्रंट के अंदर भी। इसके अंदर आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा, बंपर काफी प्यारा देखने को मिल जाएगा, और पार्किंग सेंसर के साथ में आपको काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर काफी नए तरह का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। अगर सीटों की बात करें तो सीटों में भी आपको काफी अच्छी लेदर की स्ट्रेचिंग देखने के साथ साथ काफी अच्छा कंफर्ट भी आने वाला है। अगर रियर सीट की बात करें तो काफी अच्छी थाई सपोर्ट भी होने वाली है, ताकि आपके पैरों में कोई भी दर्द वगैरह कुछ ना हो। काफी अच्छी थाई सपोर्ट के साथ में आपको काफी अच्छी सीटें देखने को मिल जाती है और काफी आरामदायक सीटें हैं। तो मार्केट में काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां भी है लॉन्च हो रही है, काफी सस्ती भी गाड़ी लॉन्च हो रही है, टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को एक लग्जरी वाला फीचर देने के बाद में लग्जरी वाला फील आता है इस गाड़ी के अंदर। न्यू लुक के साथ में दोबारा से टाटा अल्ट्रोज दोबारा से मार्केट में आने को तैयार है। और दोस्तों, ये गाड़ी आपको ईवी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं लगता है टाटा पंच के भी पसीने छूट रहे हैं इस गाड़ी को देखने के बाद में। हालांकि ये दोनों गाड़ी टाटा की ही होने वाली है, टाटा पंच या टाटा अल्ट्रोज, पर फिर भी टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज अगर देखा जाए तो टाटा अल्ट्रोज में काफी नए तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, बात करें इसे कीमत की, तो दोस्तों इसकी कीमत क्या रहने वाली है, दोस्तों आपको बता दें 6,95,000 रुपए के एक्स शोरूम में आपको देखने को मिल जाएगी। काफी जबरदस्त माइलेज के साथ में आपको टाटा मोटर्स टाटा अल्ट्रोज को पेश करती है मार्केट के अंदर। लगभग 7 लाख रुपए में ऐसी कोई गाड़ी मिलने वाली नहीं है जिसके अंदर इतने तकड़े फीचर और इतना अच्छा लुक, प्यारा लुक देखने को मिल जाता है सिर्फ टाटा की गाड़ी की। आपकी बात करें अगर इसकी सेफ्टी के बारे में, तो दोस्तों 4 रेटिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी सेफ्टी फीचर्स भी। तो ओवरऑल गाड़ी कई कलर में मिलने वाली है, और दोस्तों मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई ये गाड़ी। अगर आपको भी जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर हमारे चैनल या पेज पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर से जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।